सो है गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई सुबह, एक नए सफ़र में, एक नए दिन के साथ। गाइस ये वो मंदिर है जहाँ पर कल रात हम रुके थे, गुरु अमरदास नगर, ये जलंधर में ही है। और ये मंदिर है पारदेश्वर सिद्धपीठ गौरी शंकर मंदिर, ठीक है। तो इस मंदिर में ये बाहर का व्यू है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। अंदर में चलते हैं मंदिर के, और माता रानी का मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बाकी सारे देवी देवता हैं, तो आपको दर्शन कराते हैं, ठीक है गाइस। माता रानी के आप दर्शन कर पा रहे हैं, प्रणाम कर लो आप लोग, मैंने सुबह ही प्रणाम कर लिया है माता रानी के। और हरि बोल, यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। शिव की प्रतिमा साक्षात भगवान भोलेनाथ माता पार्वती, हरि बोल। और इधर में आप दर्शन कर पा रहे हैं मुरली मनोहर श्री कृष्ण और राधे रानी के। इधर में राम भक्त हनुमान जी, हरि बोल। इधर में लड्डू गोपाल के दर्शन कर पा रहे हैं आप, प्रणाम कर लो आप लोग फटाफट, उसके बाद अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर आप साक्षात लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु नारायण के आप दर्शन कर पा रहे हैं, माता लक्ष्मी के आप दर्शन कर पा रहे हैं, और इधर में मंगल मूर्ति भगवान गणेश के आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं इधर में सूर्यदेव है, ठीक है। और इधर में आरती सिद्ध श्री बालकनाथ है, ठीक है। तो गाइस, माता रानी के दरबार में सुबह सुबह दूध, ये दूध इसमें कुछ पीला पीला है तो कुछ हल्दी या केसर होगा, ठीक है, और बादाम मिक्स है इसमें, ठीक है। तो गर्मा गर्म दूध पहले पी लेते हैं। इधर बिस्किट रखी है, चाय भी रखी हुई है, ठीक है। सुबह सुबह पहले दूध पी लेते हैं। तो गाइस, मस्त दूध पी लिए, बिस्किट खा लिए, दो गिलास दूध, केसर वाला दूध था, केसर और बादाम, ठीक है। तो केसर वाला दूध और बादाम वाला दूध था, पी लिए दूध और चार बिस्किट खा लिए, मस्त एकदम। और अब यात्रा में आगे बढ़ेंगे पंडित। तो गाइस, ये भैया है मंदिर में ही आप रहते हैं ना? हाँ जी, मंदिर में रहते हैं भैया, मंदिर में ही रहते हैं। और कल रात यहाँ पर मंदिर में रात बहुत अच्छे से बीती, रोटी पानी, रोटी सब्जी दूध मस्त खा पी करके सोए। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, गर्मा गर्म रोटी खिलाए, दूध भी पिलाए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया का, ठीक है। कुछ कहना चाहेंगे आप? लेट हो रहा था पार्किंग, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो गाइस, राष्ट्रगान के साथ अपनी यात्रा का आरंभ करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, जय हिंद साथियों। तो गाइस, मंदिर के प्रांगण से निकल चुके हैं, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हैं दुकानें वगैरह हैं, पास में ही हाईवे है, ठीक है, ये हाईवे पास में ही है। और गाइस, आज अपनी भारत यात्रा का 15वां दिन है, ठीक है। आज अपनी 15 दिन की यात्रा में हम सुबह सुबह निकल चुके हैं, और आज अपने को 70-75 किलोमीटर टालना होगा, ठीक है। तो आज अपनी यात्रा 70-75 किलोमीटर, यानी कि अमृतसर में एक भैया है मेरे, वो 2-3 दिन से, उनसे मेरी बात हो रही फ़ोन पर, उनको पता चला है कि मैं भारत यात्रा में हूँ और पैदल आ रहा हूँ अमृतसर की तरफ, तो वो अमृतसर में ही रहते हैं। हालांकि उनसे मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई थी, तो काफ़ी अपनापन और स्नेह है, तो उनको पता चला है, तो वो 2-3 दिन से उनसे मेरी बात हो रही कंटिन्यू, वो हर दिन खबर ले रहे, वो बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी आप पहुँचिए हमारे यहाँ। तो बस आज रात को, मतलब आज शाम रात तक अमृतसर पहुँचना है, 70-75 किलोमीटर की जर्नी,
पूरी करके। ठीक है गाइस, ये भाई लोग मुझे मिले। ठीक है, अभी मंदिर से बाहर ही निकला हूँ और हाईवे पर जैसे ही चला हूँ तो भाई लोग मुझे मिले, बहुत अच्छा लगा भाई लोग से बात हो। क्या नाम हुआ आप लोग का? मेरा नाम करण। करण, ये करण भाई है। ठीक है, और आपका क्या नाम हुआ? प्रमोद। और ये प्रमोद भाई है। ठीक है, आप लोग यहीं रहते हो? अच्छा, मंदिर इसी वाले गली में क्या? मंदिर से आगे थोड़ा सा ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर के। और रात यहाँ पर बहुत मजे करके, खाना पानी दूध वूध सारी सुविधा रात को रुकने की, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी पापा जी आ गए, आ जाओ पापा जी। पापा जी, अपनी यात्रा चल रही है, भारत माता की यात्रा, पैदल यात्रा चल रही है। हर दिन की जर्नी, सुबह से शाम तक की जो भी जर्नी होती है, लोगों से मिलते हैं, जो भी लोगों का सहयोग मिलता है यात्रा में, वो सारी चीज़ें छोटे छोटे क्लिप बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। तो लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है अपनी भारत यात्रा में। और पंजाब के लोग तो आप तो पूरी दुनिया जानती है, बड़े दिल वाले होते हैं और सेवा का भाव तो पंजाब लोग पूरी दुनिया जानते हैं पंजाबी लोगों का। आप कुछ कहना चाहेंगे पापा जी? बहुत बढ़िया गल करी बाबा जी, अपना कीमती समा कट के तुम कर रहे हैं यात्रा तो ऐसे पूरी कन्याकुमारी तक जाना। पूरी भारत माता की यात्रा करनी है, सारे तीर्थ धाम। राहुल गांधी साहब ने की थी? नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी की तो अपना पॉलिटिक्स से रिलेटेड है कि नहीं, लेकिन अपना तो अपनी जन्मभूमि अपनी कर्मभूमि से रिलेटेड है, भारत माता से जुड़ा हुआ फीलिंग एक अटैचमेंट है कि नहीं पापा जी? तो यही है, बहुत बहुत धन्यवाद पापा जी। बाकी भाई लोग, हाँ भाई लोग से मिल करके बहुत अच्छा लगा, और भाई लोग अपने यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए। ठीक है, तो सदस्य बन गए यूट्यूब फैमिली का, भाई लोग को बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, और कुछ कहना चाहोगे आप लोग? बहुत बढ़िया, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, भाई को फुल सपोर्ट करो। बिल्कुल यार, आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो देख करके निकल जाते हो। ठीक है यार, आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग से इस यात्रा में आगे बढ़ रहे। ठीक है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, जाल करके शेयर करो। ठीक है भाई, पैदल भारत यात्रा चल रही है। ठीक है, तो ठीक है भाई, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मुल्क ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। तो गैस, ये आप बोर्ड देख पा रहे हो, अमृतसर एकदम सीधा एरो, लिधरा और अटारी एकदम सीधा एरो है। ठीक है, तो सीधा जाना है अपने को अमृतसर, और आज का अपना डेस्टिनेशन अमृतसर ही होगा, गोल्डन टेंपल। ठीक है, गोल्डन टेंपल के पास में अपना एक भैया है, तो उन्हीं के पास आज मैं पहुंच करके अपनी यात्रा विराम करेंगे। ठीक है, तो गैस ये साइड वाला रोड है। ठीक है, उधर हाईवे है, तो अपन सुबह सुबह साइड वाले रोड पर चल रहे हैं। तो गैस ये भैया मुझे मिले यहाँ पर हाईवे के पास में ही है, तो भैया से बात की, बहुत अच्छा। फ्रूट की दुकान होती, मैं आपको फ्रूट ही खिलाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फ्रूट तो मैं ज़रूर एक्सेप्ट कर लेता। भैया वैसे चाय पानी के लिए बोल रहे हैं, तो चाय तो अभी तो मैं मंदिर से दूध पी करके निकला हूँ, तो चाय पानी तो अभी कुछ नहीं। बहुत मन खुश हुआ, बाकी ऐसे ऐसे इंसान भी हैं। बाकी भैया से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। भैया पूछ रहे थे आप कब से चल रहे, कहाँ से चल रहे, तो ये हौसला बढ़ाना हुआ भैया का मेरी इस यात्रा में, तो हौसला बढ़ाना भी एक तरह का सहयोग है। भैया का सहयोग मुझे मिला, सपोर्ट मिला इस भारत यात्रा, भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे भैया? चाय थोड़ी पी लेते, पानी पीना? नहीं, चाय से पानी तो अभी कुछ नहीं पियेंगे, बोतल ले लो। बोतल नहीं, पानी उन्नी अभी भारी हो जाएगी, एक लीटर मेरे पास में। ठीक है, नहीं तो पानी उन्नी तो ऐसे पी लेते हैं। भैया बोल रहे हैं कि पानी की बोतल ही ले लो, तो अभी पानी की बोतल वो मेरे पास भारी हो जाएगी, फिर यात्रा में जहाँ पर होगी पी लेंगे, है ना? तो यही है, बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया यात्रा में आगे बढ़ते। तो गाइस भैया, भैया एक मिनट आ जाइए आप भी। तो ये भैया अपने यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके, और साथ ही भैया मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे। भैया बोले कि आपको यहाँ पर फल उल की दुकानें नहीं मिल रही है, तो नहीं तो मैं आपको फल खरीद करके देता। तो कोई नहीं, आप रास्ते में आप खरीद लेना फल या दूध आप पी लेना। तो भैया का सहयोग मुझे मिला इस भारत यात्रा में,
फाइनेंशियली सहयोग, फाइनेंशियली सपोर्ट मिला, तो भैया को बहुत बहुत धन्यवाद भैया बच्चे का। और ये आपके बेटे हैं, ये भैया के बेटे, क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित, ये रोहित भाई हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? पैदल यात्रा चल रही है, बताओ आपने क्या करना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया बात है, अब भारत यात्रा पे पैदल ही पैदल पैदल चल रही है अपनी यात्रा, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ की फूड में फ्रूट की कोई दुकान होती है आपको? हाँ, चाय कुछ कुछ पीना है बताओ। नहीं, अभी तो मंदिर से दूध उध पी करके निकले, सेवा पा के निकले, और पापा जी ने सहयोग दिया मुझे रास्ते में, वो फ्रूट्स वगैरह खरीदने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आपको बहुत बहुत ठीक है, थैंक यू सर, आगे। सो गाइस, भैया बोल रहे थे कि चाय पानी पीने के लिए, और बोल रहे थे कि फल उनकी कोई दुकानें नहीं रही, तो मैं आपको फल खरीद करके देता। उन्होंने फिर फाइनेंशियली सपोर्ट किया, बोल रहे थे कि ठीक है आप फल खरीद लेना, तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। और सभी के सहयोग से मेरी ये भारत यात्रा सच में बहुत ही सुगम और सहज हो जा रही है, ठीक है, और लोग जिस तरह से हौसला बढ़ाते हैं, जिस तरह से सहयोग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी अपन साइड वाले रोड पर है, और आज अपना पहुंचना है गोल्डन टेंपल, ठीक है, अमृतसर, तो ये साइड वाला रोड है, उधर में हाईवे है, साइड वाले रोड से आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ये आप बोर्ड देख पा रहे हैं, करतारपुर 04 किलोमीटर, ब्यास 30 किलोमीटर, और अपना अमृतसर 73 किलोमीटर, ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। तो गाइज फुल फॉर्म में है, यहाँ से 73 किलोमीटर है अमृतसर अपना डेस्टिनेशन, मानो जैसे 73 कदम की दूरी पर है, 73 कदम चलेंगे शाम तक, 1 किलोमीटर मतलब 1 कदम, 73 किलोमीटर मतलब 73 कदम शाम तक पहुँच जाएंगे, ठीक है, बाकी पहुँच जाएंगे यार। तो गाइस, ये अपना साइड वाला रोड और ये अपना ओवरब्रिज, ठीक है, तो ओवरब्रिज से चलते हैं। ओवरब्रिज का चढ़ाई पहाड़ के जैसा लगता है यार, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ो ऊंचा, लेकिन फिर चढ़ जाने के बाद बराबर जब हो जाता है सही लगता है, सही है। अल्लाह करम करना, लिल्लाह करम करना, परवरदिगारे आलम बेसब पे रहम करना, बेसब पे रहम करना। तो गाइज, ये आप बोर्ड देख पा रहे हैं, ब्यास 27 किलोमीटर, अमृतसर 70 किलोमीटर, और अटारी 102 किलोमीटर, अमृतसर पहुंचना है शाम को। तो गाइज, ये अपना ओवरब्रिज वाला हाईवे, ठीक है, उधर के जा रही है, बाकी ये अपना साइड वाला रोड जो कि आगे हाईवे पे मिल जाएगा, तो मिक्स करके चलते हैं अभी साइड वाले पे, ठीक है। तो गाइज, ये ऊपर ओवरब्रिज और ये नीचे साइड वाला रोड, अपन साइड वाले रोड से चल रहे हैं, सही है। देख लो यार, हाईवे की साइड की दुकान है, ठीक है, ये हाईवे के पास की दुकानें हैं, ये क्या क्या डॉल है, फ्लावर्स है, कितने अच्छे लग रहे हैं यार, अच्छी है। आपके भैया, ये भैया की दुकान है, ये भैया की दुकान है, क्या नाम है भैया का? सतीश कुमार है सर। सतीश कुमार भैया राजस्थान से? राजस्थान से, हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, पंजाब में टॉर्च का सामान लगा के बैठे हैं, रोड पर बेचते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया, पूरा हिंदुस्तान, अपना हिंदुस्तान में कहीं पर भी लगा करके बैठ सकते हैं, बेच सकते हैं, है कि नहीं? अपना
बिल्कुल बिल्कुल, अपनी भूमि अपनी भारत माता है, लेकिन पूरा यहाँ से वहाँ तक आपका है, सब आपका है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो फुटपाथ पर लोग लगाकर जो बैठे रहते हैं तो उनको तंग ना किया जाए रोड के ऊपर। बिल्कुल सही बात, पटरी पर रेडी पर फ्रूट बेचने वाले, सामान बेचने वाले, जो भी इत्यादि सामान बेचने वाले हैं उनको मोदी सरकार की तरफ से सुविधा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अपने देश के भाई, कोई बाहर के आए हुए नहीं है, अपने देश के, देश के नागरिक है और अपने देश में ही है, तो भाई वो फुटपाथ पर भी कहीं पर भी रह सकता है कि नहीं? बिल्कुल, अपने देश के नागरिक है, कोई दिक्कत नहीं यार। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा भाई। आगे बढ़ते हैं, इधर आप देख पा रहे हैं टेडी बियर वगैरह है, ठीक है। अब मैं टेडी बियर अभी लेके कहाँ जाऊँगा, वरना एक ले लेता टेडी बियर वैसे, लेकिन मैं लेके करता भी क्या है ना। मेरी भाभी ने मांगा था एक टेडी बियर बहुत पहले, दिए थे नहीं, अलग छोटे छोटे दिए थे, वो बड़ी वाली मांग गई, ये वाला इस तरह का ले जाते हैं, बड़ा वाला, ये सही है। लेकिन अभी अपन भारत यात्रा में कहाँ लेके जाएंगे, है कि नहीं? कोई नहीं, घर जब लौटेंगे तब ले लेंगे, बाद में यात्रा के बाद जब घर जाएंगे तब बाद में ले लेंगे, है ना। बाकी आप देख पा रहे हो बर्तन, इधर में बर्तन वगैरह हैं, ठीक है। ये देख लो भाई, वो चीनी मिट्टी की जो बर्तन होती है ना, अच्छा यार। तो वैसे आप देख पा रहे हो फ्लावर, ओहो बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है भाई, बहुत बढ़िया फ्लावर है भाई। तो गाइस थोड़ी देर बैठता हूँ हाईवे के पास में ही, अपना इधर बैग रखा है, ठीक है। नहीं पाजी, ये अपना बैग है, बाकी अपना बैग है, थोड़ी देर बैठते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सुबह सुबह केले खा लेते हैं, उसके बाद यात्रा में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुबह सुबह दूध पी के निकले थे वहाँ से, मंदिर से, बाकी रास्ते में पराठे वराठे कहीं कुछ नहीं मिले, होटल यहाँ पर है पीछे में, तो मैंने पूछा कि भैया पूरी सब्जी पराठे कुछ होंगे नाश्ता, बता रहे ब्रेड होंगे, समोसे होंगे, पकौड़े होंगे, तो सब नाश्ता कहाँ होता है ना, तो शाम का नाश्ता होता है, सुबह का नाश्ता पूरी सब्जी पराठे कुछ अच्छे होते हैं। तो कोई नहीं, हम भैया की दुकान पर केले खा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गाइस ये भैया के दुकान पर सुबह का केला वाला खा लिए, तो भैया को पैसे दे रहे थे, तो भैया बोले कोई नहीं आप रहने दो, तो भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद है, विनोद नाम है भैया का, ये फल का दुकान है भैया का, ठीक है। बाकी भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, यात्रा में आगे बढ़ते हैं। ये देख लो गाइस, ये भैया वो अम्मा को रोड पार करा रहे हैं, ठीक है। इनके दुकान पे मैंने केला खाया था, ठीक है। वो अम्मा आई बोली रोड थोड़ा पार कराने के लिए, तो वो पार करा रहे। तो गाइस ये आप देख पा रहे चौराहा, ये ऊपर फ्लाईओवर, और ये रास्ता कुछ इधर गया है, कुछ इधर गया, ठीक है। बाकी हम लोग सीधा जाएंगे आगे, कौन सा जगह पता नहीं, बोर्ड वोड नहीं दिखा कहीं पर, खाने को कुछ मिला नहीं तो केले खा लिए। आगे में साथ पराठे की दुकान है, वो भैया बता रहे थे। तो गाइस ये ऊपर में हाईवे ओवरब्रिज वाला, अपन नीचे से जा रहे हैं, और ये और भी नीचे जा रहा है रास्ता, ठीक है, नीचे ढलाव की तरफ है, तो इधर नीचे जा रहे हैं मजे में साइड वाले रास्ते से। तो गाइस दोपहर का खाना बटर नान, ठीक है, बटर नान चटनी सब्जी ऐसी कुछ है, फटाफट खाना फिनिश करते, ठीक है भाई। तो गाइस ये भैया मुझे मिले, क्या नाम हुआ भैया आपका? सोहनलाल। ये कौन सा जगह है वैसे? ये मतलब के ब्यास, ब्यास जगह है ना, राधा स्वामी ब्यास। अच्छा राधा स्वामी ब्यास है, चलिए तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा भैया देख करके, मेरे पास में आए, बात किए मुझसे, बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहेंगे आप? ना ना बस कोई बात नहीं, आप बहुत हिम्मत की, आपकी दाद देना चाहता हूँ आपकी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी आप सबके सहयोग से ही इस यात्रा को बहुत ही सहजता पूर्वक आगे बढ़े जा रही है यात्रा में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज
सही है, धूप लग रही है, चश्मा लगा लिए। बाकी अभी ओवर ब्रिज पे हैं, ठीक है। ये ओवर ब्रिज ऊपर और ये साइड का रास्ता नीचे, ठीक है। तो मिक्स करके चलते हैं, कभी ओवर ब्रिज से कभी साइड वाले रास्ते से। ओ भाई ये देखो जहाज, और ये भाई ये तो ज़मीन पर लैंड कर गया यार। इधर देख लो हाईवे है और हाईवे के पास ये जहाज लैंड कर गया भाई, ठीक है। अब क्या, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये अपना हाईवे है एकदम मस्त। तो गाइज ये आप देख पा रहे हैं गोल्डन गेट, ठीक है। हम लोग अमृतसर पहुंच गए हैं और ये गोल्डन गेट देख पा रहे हैं। तो गाइज ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं गोल्डन गेट, ये टेंपल नहीं है, ठीक है। और ये सिर्फ गोल्डन कलर का है, गोल्ड का नहीं है। गोल्डन गेट नाम से लगता है कि गोल्ड का होगा, गोल्ड का बिल्कुल भी नहीं है, गोल्ड गोल्डन कलर है, ठीक है। बैक कैमरा से दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस ये आप देख पा रहे हैं गोल्डन गेट, ठीक है। यहाँ से हम लोग अमृतसर की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। ये जो गेट देख पा रहे हैं रास्ता रोड, यहाँ से अमृतसर की सीमा में अमृतसर हम लोग इन करेंगे, ठीक है। देख लो भाई बढ़िया से गोल्डन गेट। आप बोर्ड देख पा रहे हैं न्यू अमृतसर के लिए, एरो उधर से है साइड, और बाकी ISBTC और रेलवे स्टेशन सीधा स्ट्रेट है। अब मुझे पूछना पड़ेगा गोल्डन टेंपल के लिए न्यू अमृतसर की तरफ जाना है या फिर सीधा जाना है, नहीं तो फिर पता चला कि यूँ चले गए फिर यूँ से फिर वापस आना पड़ा तो यूँ जाना पड़ेगा, या फिर यूँ चले गए तो फिर यूँ जाना पड़ेगा। भैया गोल्डन टेम्पल इधर ही है, इधर सीधा आप नहीं जानते हैं तो भैया भी अनजाने बाहर के हैं। चलो कोई नहीं, देखते हैं किसी और से पूछते हैं। तो गाइस वो पप्पा जी से पूछे वो बताएं, एक्चुअली लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। हरियाणा में थे तो हरियाणा तो लोगों की लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, यहाँ पंजाब में पंजाब की लैंग्वेज समझ में आती थी। लेकिन क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए खुद के अंदर, ठीक है। यू 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 जब वो बता रहे हैं तो उस चीज़ों को समझना पड़ता है कि वो कैसे क्या बता रहे सारे को, और बस उसी तरह हाँ में हम लाकर अच्छा हाँ ठीक है उसके बाद आगे बढ़ जाना पड़ता है। तो मुझे समझ में आ गया, उन्होंने बताया कि यू सीधा जा करके ब्रिज के ऊपर नहीं चढ़ना, नीचे नीचे जाना, यूं यूं करके पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं। आप देख पा रहे हैं उधर की तरफ जो रास्ता गया ना, उधर से जो गड्डी आ रही है, तो ये आप बोर्ड देख पा रहे ऊपर में लिखा हुआ है भाई गुरदास जी नगर न्यू अमृतसर, ठीक है। तो उधर बाकी हम लोग इधर जाएंगे। ये भाई लोग मिले यार अमृतसर में, बहुत अच्छा लगा भाई लोग से बात की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह। विजय सिंह भाई का नाम है यार। और आपका? प्रिंस। ये प्रिंस भाई है और ये विजय भाई है, ठीक है। बहुत अच्छा लगा भाई लोग से बात किए, पंजाब अमृतसर में अपना स्वागत किए भाई लोग। और क्या चाहिए है कि नहीं यार, हौसला बढ़ाना भी है कि नहीं, एक तरह का यही होता है। बाकी आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? हाँ भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, भाई को सपोर्ट कीजिए, सही बात है, आपके वहाँ पर भी आ सके। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप लोग वीडियो देख के निकल जाते हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, बेल आइकन प्रेस करो, ठीक है गाइस। थैंक यू थैंक यू, ठीक है गाइस।
तो गाइस भाई लोग मिले, अच्छा लगा यार। इस तरह से लोग हौसला बढ़ाते हैं, और क्या, हौसला बढ़ाना भी कम नहीं होता भाई, बहुत बड़ी बात है। गाइस ये भाई मुझे मिले हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहूद रहमानी हुआ। शाहूद रहमानी भाई है, बात भी आपके घर के बगल से हैं, बिहार किशनगंज जिला से हैं। अच्छा, बिहार किशनगंज से? हाँ, किशनगंज से हैं। और पास में ही हम लोग का? हम लोग के पास में से ही हैं। उधर किशनगंज के पास में हम लोग का सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी से लगभग मेरा 15 किलोमीटर का फासला है बस। सिलीगुड़ी में हम करीब 10 साल हम रहे, वहाँ पर शिक्षा दीक्षा मेरा अध्यात्म ज्ञान का वहाँ से रहा। अच्छा अच्छा। सिलीगुड़ी से मेरा अच्छा रिलेशन था वहाँ पर, वहाँ से बोल सकते हो वहाँ से बिलोंग करते हैं। बाकी आसनसोल देखते नगर प्राइज बहुत बड़ी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा लगा हमको भी, अपने उधर का आदमी पैदल यात्रा कर रहे हैं, सपोर्ट करे भाई को, ठीक है। और हम भी पंजाब अमृतसर में मिले भाई, हमको अभी गोल्डन टेम्पल के बगल में मिले हैं। सही बात। तो आप भाई को सपोर्ट करें, ठीक है। शिहाब भाई के जैसे ये भी निकला है, पैदल निकला है, सपोर्ट करें भाई का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो गाइज ये भाई लोग मुझे मिले, पानी सानी पिलाए, पानी की बोतल भी दे दी। तो भाई लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यार। क्या नाम है आपका? ये साहिल भाई है। और आपका? राजवीर। ये राजवीर भाई है भाई, ठीक है, पानी की बोतल। तो बहुत बहुत धन्यवाद यार आप लोग को, है ना। ऐसे आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? भैया जी के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो लाइक करो, फॉलो करो इनका, जल्दी से जल्दी इनको कामयाब करो। सही बात बोल रहा है यार आप लोग वीडियो देख करके निकल जाते हो, ठीक है यार। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई, अच्छा लगे तो भारत माता जी की जय बोल करके कमेंट भी कर दिया करो, जय हिंद लिख करके, है ना भाई। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। बाकी भाई लोग का बहुत बहुत धन्यवाद यार, पानी के लिए भी और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए भी, से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो गाइस यात्रा में आगे बढ़ते, ठीक है। तो गाइस अभी बज रहे शाम के 6 और करीब 5:30 बजे हम अमृतसर पहुँच गए थे। तो पहुंचने के बाद एक भैया हैं अमृतसर में ही रहते हैं, तो उनको कॉल किया हम, तो वो मुझे रिसीव करने के लिए आ गए विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर वो आ गए मुझे को रिसीव करने के लिए, और मुझको रिसीव करके लेके आ गए अपने घर पर। और भैया से मुझे लगातार 3-4 दिनों से बात हो रही थी, जब से उनको पता चला है कि मैं भारत यात्रा पर हूँ और पंजाब से होते हुए अमृतसर होते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो भैया मुझको पहले से 3-4 दिन पहले से बोल रहे थे कि आप जब अमृतसर आना तो आप हमारे यहाँ रह करके, हमारे यहाँ रह करके उसके बाद अमृतसर घूमना मेरे साथ में, आप हमारे यहीं पर रहना, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ना यात्रा में। तो अभी भैया है नहीं, तो अभी आपको मिलवाता हूँ, वो अभी थोड़ा बाहर गए हुए हैं। और मैं यहाँ पर आने के बाद पहले तो मस्त नहा लिया, बाल भी अभी गीले हैं, ठीक है, तो मस्त नहा लिया। ये आप देख पा रहे हैं, ये वॉशरूम एरिया है नहाने धोने के लिए, ठीक है। तो ये वॉशरूम एरिया है, खाना पीना भी हो गया आने के बाद, भैया खाना लगवा दिए। तो हालांकि खा कर के आए थे, पेट भरा हुआ था, लेकिन फिर भी भैया का प्यार है इसमें, तो खाना उन्होंने भी खा लिए, दाल चावल पकौड़े चटनी धनिया पत्ता का, और उसके बाद अचार, ठीक है। तो मस्त खाना पीना हो गया, और अभी ये छत का एरिया है, ठीक है, छत तो ऊपर है, ये उनका फ्लोर है, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं कौन सा कमरा है जिस कमरे में हम रुकने वाले हैं। तो ये सोफ़ा है, ठीक है। बाकी इधर किचन एरिया है भैया का, इधर किचन एरिया है, और ये अपना रूम है आज का, ठीक है। तो ये रूम है, और भैया का कहना है कि आप यहाँ पर आए हैं तो आप 15-20 दिन 1 महीना रुक करके उसके बाद आप यात्रा में आगे बढ़े, मतलब आपका जितना 15 दिन का जो जर्नी में जो आपका थकान हुआ वो आपका थकान दूर हो जाएगा, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। तो उतना दिन तो पॉसिबल नहीं है, उतना दिन तो भैया का बात नहीं रख पाएंगे हम, लेकिन 2-3 दिन ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर रुक करके, और भैया कहना है कि वो हमको पूरा अमृतसर घुमाएंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा है, क्योंकि वो यहाँ पर रहते हैं तो अच्छा है, उनके साथ भी घूमने का मौका मिलेगा। तो अमृतसर घुमाएंगे तो अच्छा, 2-3 दिन जब तक अमृतसर घूम लेते हैं तब तक रुक जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर रुक करके ये आप देख पा रहे हैं ये अपना बेड है, ठीक है, तकिया है, ब्लैंकेट है, और अपना बैग इधर में रखा हुआ है, ठीक है, अपना बैग इधर में। तो गाइस रात का डिनर, ठीक है,
पराठे आलू मटर का भुजिया और दही। बाकी बगल में बर्थडे पार्टी चल रहा है, ठीक है, तो बहुत शोर शराबा है, फटाफट खाना फिनिश करते भाई, ठीक है। तो गाइस ये आप देख लो नाइट व्यू अमृतसर की सड़कों पर, हाईवे का आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये ऊपर ओवर ब्रिज और तिरंगा, अपने देश की आन बान शान, पूरा ओवर ब्रिज तिरंगे कलर का है ना भाई, गजब। तो गाइस नाइट में, रात में अभी करीब 10:30 बज रहे हैं और ये है सुनील भैया। सुनील भैया के साथ में निकले हैं रात में घूमने के लिए अमृतसर, ठीक है। तो गाइस देख लो ये ओवर ब्रिज, ठीक है, कलर चेंज हो रहा, थोड़ी देर पहले तिरंगे कलर का था, अभी देखो भाई कलर चेंज हो गया, ठीक है। ये है ओवर ब्रिज अमृतसर का फ्लाई ओवर। गाइस ये है नाइट व्यू ऑफ अमृतसर, ठीक है, आप देख पा रहे हैं अमृतसर के नज़ारे रात के, ठीक है भाई, मस्त व्यू है। ये हवेली रेस्टोरेंट हम इतना बार ना देख लिए ना कि मत बोलिए, जगह जगह पे हमको दिखता हवेली रेस्टोरेंट, इंटरनेशनल है ये, बहुत बड़ा नाम है। हाँ देख लो भैया, दो मंजिला बस है भाई, सरकारी बस पंजाब में। तो गाइस हम लोग घूमते घूमते पहुंच गए हैं, ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं गोल्डन टेंपल, ठीक है, और ये रात का व्यू है, और रात में भी यहाँ पर ऐसा है जैसे कि पूरा चकाचौंध है और मार्केट पूरा खुला हुआ है, ठीक है, उस साइड तो पूरा मार्केट खुला हुआ, लोगों की भीड़ है। बाकी बैक कैमरा से दिखाते आप लोगों को नाइट में गोल्डन टेंपल का व्यू, ठीक है। तो गाइस ये आप देख पा रहे हैं नाइट व्यू ऑफ गोल्डन टेंपल, ठीक है, ओह सुप्रब, ठीक है भाई, देख लो भाई रात के नज़ारे गोल्डन टेंपल के। तो गाइस ये आप देख पा रहे हैं नाइट व्यू, ठीक है, ये गोल्डन टेंपल के बाहर परिसर का है, बाहर साइड का है, मार्केट का व्यू है, ठीक है, ये आप मार्केट देख पा रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं, चकाचौंध है, लोगों का आना जाना एकदम मस्त, लोग बैठ रहे हैं, घूम रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, मौज कर रहे, ठीक है भाई। तो ये है अमृतसर का नाइट व्यू। देख लो भाई खाने पीने की सारी दुकानें खुली हुई है। ये सुनील भैया है, बाकी इधर का भी देख पा रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग घूमते हुए जा रहे हैं अपने घर की तरफ, कमरे की तरफ, ठीक है। तो मस्त घूमना फिरना हुआ, नाइट व्यू अमृतसर का गजब लाजवाब, मजा आएगा। तो गाइस बाहर से घूम करके आ गए, ठीक है, अभी कमरे में हैं और ये आप कमरा देख पा रहे हैं, ठीक है, उधर अपना बैग है, बाकी इधर डोर बंद है, ठीक है, और ये अपन रजाई है, ये ब्लैंकेट है, ठीक है, और ये गद्दा है, ठीक है, और ये इधर में दूध है, गर्मा गर्म दूध, ठीक है। तो अभी
अभी मस्त दूध पियेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। सो जाएंगे क्या, अभी एडिटिंग बाकी है, ठीक है। और अभी रात के बज रहे 12, अभी घूम करके आए बाहर से। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, भैया अभी चले गए अपने कमरे में, वो भी सो रहे हैं। तो हालांकि भैया यूट्यूब पर या ऑनलाइन सोशल साइट पे बहुत कम आते हैं, वो बोल रहे थे कि ठीक है आप बनाइए, ठीक है। तो और भैया का इस भारत यात्रा मुझे सहयोग और सपोर्ट मिला। भैया बोल रहे हैं कि आप होली तक रुक जाइए, कम से कम होली अच्छे से मना के उसके बाद आप यात्रा में आगे बढ़िए। लेकिन पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन यहाँ पर रह करके अमृतसर घूमना है। अमृतसर का जो भी अच्छे अच्छे जगहों का ब्लॉग, मार्केट का ब्लॉग, अच्छे अच्छे जगहों को कवर करना है, ठीक है, वीडियो में आप लोगों को दिखाना है। और उसके बाद फिर यहाँ से निकलना है, ठीक है, यात्रा में आगे बढ़ना है। तो यही है, बाकी अभी रात में भैया के साथ में पूरा अमृतसर मार्केट, गोल्डन टेम्पल उधर घूम के आए। भाई लग ही नहीं रहा था कि रात है, साला रात में भी लोग इस तरह से घूम रहे उधर में, ठंडा पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड ये कॉफ़ी पी रहे, दूध पी रहे, चाय पी रहे, मस्त खिलौने की दुकान लगी थी, बहुत सारा दुकान खुला था और लोग बहुत भीड़ था मार्केट में रात को, इतना रात को 11:30 बजे। तो सही है, अच्छा लगा, नाइट व्यू सही है। तो गाइज आज के इस डे को, आज के इस जर्नी को यहीं पर क्लोज करते हैं। अभी दूध पियेंगे, ठीक है, अभी दूध पियेंगे फटाफट, ठीक है। तो दूध पियेंगे, उसके बाद वीडियो एडिटिंग करना है, वीडियो एडिटिंग करेंगे फिर सो जाएंगे, ठीक है। तो आज के इस जर्नी को, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, एंड कल फिर मिलते हैं एक नए सफर में, एक नए ब्लॉग में, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।